सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो गाइस। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने स्टोरेज किस तरीके से खाली कर सकते हो बिना डिलीट किए हुए। जी हाँ, अगर आप लोग अपने मोबाइल की स्टोरेज को खाली करना चाहते हो बिना डिलीट किए तो किस तरीके से खाली कर सकते हो। गाइस, आज की वीडियो में आप लोग यही बताने वाला हूँ। तो गाइस, ज़्यादा टाइम गवाते ना हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले आप लोग गाइस क्या करना है, आप लोग अपने फ़ोन की फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो गाइस, मेरे यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे स्टोरेज भरी हुई है। तो मैं इसको खाली करना चाहते हैं और मैं इसमें कोई भी यहाँ पे कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग गाइस क्या करना है, स्टोरेज पर क्लिक कर लेना है। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्लीन कर देना, ठीक है। क्लीन करने के बाद इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद इसको सेटिंग पर आ जाना है और उसके बाद आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है और उसके आपको यहाँ पे इस तरीके का देख लेना, ठीक है। तो आपका अगर आपका जो भी फ़ोन होता है उसको आपको यहाँ पे देख लेना, ध्यान से लेना, और वहाँ पे जहाँ पे आपको क्लीन का ऑप्शन देखने मिलता है वहाँ पे क्लिक कर लेना। इधर उधर होता है, फ़ोन में अलग अलग होता है, तो ठीक है, आपका फ़ोन जैसा होता है उसमें आप लोग क्लीन का देख लेना कहाँ फ्यूचर है, तो उसको ओपन कर देना, ठीक है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो, आज फोन मास्टर पर क्लिक किया, इसको अलाउ कर देते हैं। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद मैं बैक आ जाने, आप लोग देख सकते हो यहाँ से यहाँ पे क्लीन हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लीनिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे एप्लीकेशन जो भी होते हैं और मेमोरी कार्ड में जो भी होता है, तो यहाँ पे सब सारा क्लीन हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो, इतना हो जाने के बाद हम आप लोग और भी स्टेप बताएंगे। तो इन नियमों से आप लोग कर लेंगे, 100% कर लेंगे। देख सकते हो ऐसे यहाँ पे सारा एप्लीकेशन यहाँ पे क्लीन हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लीन हो चुके हैं एप्लीकेशन, क्लीन पे क्लिक कर लेना है और आप लोग देख सकते हो ऐसे यहाँ पे क्लीनिंग अप जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे क्लीन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ऐसे यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है, अभी भी यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है थोड़ा। जब भी इसको स्टॉप हो जाता है तो आप देख सकते हो जस्ट क्लीनर, ठीक है, यानी कि इसकी हो चुका है। उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग देख सकते हो ये ऐड है, इसको पहले ऐड को कट कर देना, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो ऐसे यहाँ पे क्लीनर जो होता है अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ खाली हो चुकी है मेरी। और आपको इतना करने के बाद और क्या करना है, इसको बैक कर जाना है, ठीक है। बैक आ जाने के बाद बैक आ जाना है और आप लोग अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेना है, ठीक है। फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जहाँ भी आपके ऐप इंस्टॉल हो जाते हैं वहाँ आ जाना है। तो अगर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता तो परेशान नहीं होना, इसको कर दें मिनिमाइज़। और आपको फाइल मैनेजर कहाँ है देख लेना, ये फाइल मैनेजर, इसको लॉन्ग प्रेस कर लेना इस तरीके का। उसके बाद एफ इन्फो पे आ जाना है। देन एफ इन्फो पे आ जाने के बाद आप लोग देख सकते हो ऐसे यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक कर लेना है। स्टोरेज एंड कैच पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे क्लियर स्टोरेज कर देना है और क्लियर कैच कर देना, ठीक है। क्लियर कैच कर दिया, क्लियर स्टोरेज में यहाँ पे क्लियर स्टोरेज कर देता हूँ, मैंने इसको भी यहाँ पे क्लियर स्टोरेज कर दिया, ठीक है। और आप अपने हिसाब से कर देना, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्लियर स्टोरेज कर देते हो तो आपका डाटा यहाँ पे फॉरगेट हो जाता है, ध्यान से करना आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने इसको बैक आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं और आप लोग बैक आना है, ठीक है। बैक आ जाने के बाद आपको फिर से दोबारा से आप लोग फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। देन फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद इसको अलाउ कर देना है और आप देख सकते हो यहाँ से मेरी यहाँ पे कितनी खाली हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे ना ही वीडियो डिलीट की है और ना ही मैंने यहाँ पे कोई भी MP3 में सॉन्ग डिलीट किए हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे म्यूजिक डिलीट भी नहीं किया है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ना ही हमने फ़ोटो डिलीट किए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, तब भी मेरी यहाँ पे स्टोरेज थी इंटरनल स्टोरेज वो यहाँ से खाली हो चुकी है। सो गाइस आप लोग यहाँ पे बड़े आसानी तरीके से आप लोग अपनी इंटरनल स्टोरेज को यहाँ पे बिना डिलीट किए हुए खाली कर सकते हो। गाइस उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको इंटरनल स्टोरेज बिना डिलीट किए खाली करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।